हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल डेली बाइट्स। एग हो या चीज, सबकी अपनी पसंद है, और दोनों में ही सबसे ज़्यादा कैल्शियम प्रोटीन होता है, को ज़्यादा बढ़ाता है और खाने में उसका अलग ही मज़ा आता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं एग एंड चीज सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं। और एग सैंडविच के लिए जिस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एग एंड चीज़ सैंडविच के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे बटर, एग, मस्टर्ड सॉस, मेयोनीज, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्रेड स्लाइस एंड चीज स्लाइस। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग को बॉइल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें हम पानी डालेंगे और देखेंगे कि पानी इतना हो कि अंडे डूब जाए। इसके बाद हम गैस स्टार्ट करेंगे, कैन ऑन कर दी। अब हम इसमें एग डालेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे जिससे कि एग शेल जल्दी से पील हो जाए और काफी इजीली एग बॉइल्ड होने में 7 मिनट लगते हैं। और आप चाहें तो इसमें कवर भी लगा सकते हैं, ये लिड लगा लेंगे जिससे जल्दी अंडे बॉइल हो जाए। अब ये एग बॉइल्ड हो चुकी है और मैं इनको पील कर के रेडी करके दिखाता हूँ आपको। अभी एग पील होकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको ग्रेट करूँगा और ग्रेट हम फाइन ग्रेट करेंगे। अभी एग ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड डालेंगे, ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप चाहें तो इसमें चिली सॉस डाल सकते हैं और केचप डाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो वो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें मेयोनीज डालेंगे। इसके बाद और हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस और चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम सॉल्ट डालेंगे। अब हम ये आपको मिक्स करके दिखाते हैं। अब ये मिक्स होकर रेडी हो चुका है। अभी हम ब्रेड स्लाइस लेंगे। अब हम इसमें बटर लगाएंगे, आप चाहें तो इसमें मेयोनीज भी लगा सकते हैं। और हम इसमें एग का मिक्सचर लगाएंगे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, विटामिन है और प्रोटीन है। अब हम इसमें चीज़ लगाएंगे, चीज़ स्लाइस ऊपर से लगाएंगे। इसके बाद हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, ऊपर से इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कुकुम्बर, टमाटो भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम फ्लैट पैन लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे स्लो फायर,
और उसके बाद हम इसमें बटर डालेंगे। और हम इस पर सैंडविच रख देंगे और अच्छे से इसको ग्रिल करेंगे स्लो फायर में। अब हम इसको टर्न कर देंगे। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है ब्राउन। और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे चारों तरफ, जिससे कि हमारा सैंडविच चारों तरफ से कलर ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए दोनों तरफ से ये ब्राउन हो चुका है। अब हम सैंडविच को काटेंगे, इसके एजेस साइड से काटेंगे। देखिए काटने में भी कितना क्रिस्पी लग रही है, सो यम्मी। अब हम इसको ट्रायंगल शेप में काटेंगे। देखिए कितना अच्छा लुक आया है। और हम आप ये प्लेटिंग करेंगे। अब इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। अब ये बनकर रेडी हो चुकी है सैंडविच, और आप बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, और शाम को टी ब्रेक में, मॉर्निंग में, जब चाहें आप इसको बना सकते हैं, खा सकते हैं। और ये बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल का नाम है डेली बाइट्स। और प्लीज़ शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो डेली बाइट्स।